ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा कल का लेक्चर था, उसमें बेसिकली हम लोगों ने जो एसी करंट है, या जो हम लोग बोलते हैं ईएमएफ है, तो ईएमएफ का नेचर कैसा होता है, उसका ग्राफ कैसे होता है वो देखा है। हम लोग बोलते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और उसका फिर हम लोगों ने ग्राफ स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने जो एसी सर्किट है विद प्योर रेजिस्टर देखा, यस, उसमें हम लोग को ये मिला कि जो ईएमएफ ई जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो करंट आई है, वो सेम फेज में है, दोनों सेम फेज में है ना क्या। तो यहाँ पे जो सॉलिड लाइन है वो ईएमएफ की लाइन है और जो डॉटेड लाइन है वो करंट की लाइन है, ठीक है, दोनों सेम फेज में है। इसका मतलब जब ईएमएफ मैक्सिमम होता है तो करंट का भी वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, यस, ये क्लियर है। और हम लोगों ने एक और कंसेप्ट देखा था विच वॉज ऑफ रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस। तो रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस में हम लोगों ने पहले तो ये कंसेप्ट सीखा है कि रिएक्टेंस क्या होता है। हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग कोई सर्किट में से एसी करंट पास करते हैं, ठीक है, तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस। ओके, अब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बिकॉज ऑफ इंडक्टर या प्योर इंडक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका डायग्राम ये हम लोगों ने देखा था। तो जब हम लोग एसी करंट प्योर इंडक्टर को लगाते हैं, ठीक है, ऐसे केस में हमको ये समझ में आया था कि अगर मैं बेसिकली करंट आई का इक्वेशन आई जीरो साइन ओमेगा टी लेता हूँ, मुझे ईएमएफ का जो इक्वेशन मिलता है वो मिलता है ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हम लोगों ने आगे सॉल्व करके कुछ इस तरह से निकाला कि जो ईएमएफ का इक्वेशन है वो बन जाएगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं करंट और ईएमएफ के इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो एक का जो फेज है दैट इज जस्ट ओमेगा टी और दूसरे का जो फेज है दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और इसका जो फेजर डायग्राम था उसमें ऐसा था कि हम लोग बोलते हैं कि प्योर इंडक्टर सर्किट में जो करंट आई फ्लो होता है, तो वो जो ईएमएफ है, उसको क्या करता है वो, लैग करता है, या उससे क्या होता है वो लैग होता है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ईएमएफ अप्लाई करता है, वो ईएमएफ जो है वो करंट को क्या करता है, लीड करता है बाय अ फेज ऑफ व्हाट, पाई बाय टू रेडियन। तो ये फेजर डायग्राम में देख रहा है। देखिए यहाँ पे करंट आए हैं एक्स एक्सिस पे और हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बनाया हम लोगों ने, एट 90 डिग्री, हम लोगों ने यहाँ पे वाई एक्सिस पे ईएल दिखाया हुआ है, यानी ईएमएफ दिखाया हुआ है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ है इट इज लीडिंग करंट बाय अ फेज ऑफ व्हाट, पाई बाय टू रेडियन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्स एल, उसका फॉर्मूला देखा विच वॉज व्हाट, 2 पाई एफ इंटू कैपिटल एल। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है, यस। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखते हैं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट है ना क्या, तो एसी करंट हम लोगों ने, सॉरी एसी सप्लाई हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डायरेक्टली एक कैपेसिटर को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, बीच में और कोई भी हम लोग बोलते हैं दूसरा कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं है, रेजिस्टर या इंडक्टर कॉइल कुछ भी नहीं है, तो एसी का एसी सप्लाई जो है, उसके जो दोनों एंड्स है वो कैपेसिटर को कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एसी में क्या रहता है, हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल इज पॉजिटिव, सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल इज व्हाट, नेगेटिव। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर भी क्या होता है, फर्स्ट हाफ में चार्ज होता है, सेकेंड हाफ में डिस्चार्ज होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। एनीवे, तो कैपेसिटर के केस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ईएमएफ का इक्वेशन है वो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये कल भी देखा था हम लोगों ने। जैसे इंडक्टर के केस में हम लोगों ने आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, यहाँ पे हम लोग ईएमएफ का इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और फिर हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, या कैपेसिटेंस, वी इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन कैपिटल सी। ये हम लोगों को रिलेशन कहां से मिला हुआ है, हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस इज व्हाट, इट इज बेसिकली व्हाट, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, यस। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, उससे हम लोगों ने क्या किया, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, दैट इज द अप्लाइड ईएमएफ ई एट अ गिवन टाइम, या फिर जो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू व्हाट, द अमाउंट ऑफ चार्जिंग इन कूलम्स, तो स्मॉल क्यू बोला अपॉन द कैपेसिटेंस, और इसको जब सॉल्व किया तो हम लोग को एक इक्वेशन मिला है। वो इक्वेशन क्या मिला है, तो हम लोग बोलेंगे आई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू सी ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कॉस ऑफ ओमेगा टी है उसको हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और ये जो टर्म है विच इज ओमेगा सी इंटू ई नॉट, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, आई नॉट, ये नहीं आपका क्या हो गया, पीक करंट हो गया। तो यहाँ पे आपको जो आई का इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी यहाँ पे जो ईएमएफ का इक्वेशन है उसका फेज ओमेगा टी है और जो करंट का इक्वेशन है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो ऐसे इसमें आपको क्या दिखेगा कि जो ये सॉलिड लाइन है, वो सॉलिड लाइन किसकी है, ईएमएफ की है। लेकिन सॉलिड लाइन जब हम लोग बोलते हैं जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो
जब वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था, करंट बेसिकली क्या था, हम लोग बोलते थे पीक वैल्यू है, ओके। तो ये क्यों है, तो हम लोग बोलते हैं दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाय टू रेडियन का, ठीक है, ये क्लियर है। और इसका जो फेजर डायग्राम है वो कुछ इस तरह से मिला है। तो पिछले इसमें जो ई एल था वो ऊपर की तरफ था, याद है आपको। अब यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं, ओके, यहाँ पे ई एल तो नहीं रहेगा, यहाँ पे ई सी रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो ई एम एफ अप्लाई किया है वो कैपेसिटर को किया हुआ है, ओके। तो उसमें ई एम एफ अप्लाइड टू कैपेसिटर, इट विल लैग बिहाइंड द करंट बाय अ फेस एंगल ऑफ पाई बाय टू रेडियन, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो हमें इक्वेशन मिला था, दैट वॉज ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज गिवन बाय एक्स सफिक्स सी इज नथिंग बट इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा यानी आप ऐसे बोल सकते हो इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ओके, फॉर द एसी जनरेटर, ओके, व्हिच इज इक्वल टू 1/2πfc, ओके। अब जो एक्सएल आपको मिला था, एक्सएल क्या मिला था, ओके, इट वाज डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, यानी एक्सएल इज इक्वल टू 2πf(L) था। यहाँ पे एक्स इज व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यू कैन से फ्रीक्वेंसी। एक्सएल वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ओके। तो अगर इन दोनों का हम लोग ग्राफ देखते हैं, एक्सएल और एक्सी का, ओके, अगेंस्ट व्हाट फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग बोलेंगे एक्सएल जो है, तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सएल भी जीरो है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ता है एक्सएल का भी वैल्यू बढ़ता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका ग्राफ है, दैट इज एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और ये जो कर्व दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू कम होते जाता है, ये किसका ग्राफ है, दैट इज एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी एफ, ये क्लियर है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सी का इक्वेशन है वो है 1/2πfc। तो अगर मैं डीसी की बात करूँ यानी डायरेक्ट करंट की बात करूँ, तो डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सी का वैल्यू क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इट विल बी 1/2π(0×c), यानी 1/0 आ जाता है, बेसिकली ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। और इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ डीसी करंट, दिस शोज दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी, ओके। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो मैंने कल आपको एकदम जो एंड का पार्ट है लेक्चर का उसमें बताया था, ओके। हम लोग बोलते हैं इन सच द कैपेसिटर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज इमिजिएटली विद द बैटरी पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको कल भी बोला था, ओके, कि अगर आप एक कैपेसिटर लेते हो और उसको एक बैटरी कनेक्ट करते हो, ओके, दोनों साइड से, यानी हम लोग बोले कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वो कैपेसिटर के एक पॉजिटिव प्लेट को कनेक्टेड है, और बैटरी का जो नेगेटिव है, ओके, वो कैपेसिटर के नेगेटिव इसको कनेक्टेड है। नेगेटिव इसको यानी क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिखाया मैंने आपको कि जहाँ पे हम लोग बोलते हैं अर्थिंग प्रोवाइड किया रहता है, कैपेसिटर को भी हम लोग बोलते हैं, ओके, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब आप बेसिकली जो बैटरी कनेक्ट करते हो या डीसी कनेक्ट करते हो, तो कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है। फुली चार्ज हो जाता है यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर का पोटेंशियल, ओके, और जो बैटरी का पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि देयर आफ्टर नो डीसी करंट विल फ्लो इन द सर्किट, ओके, ये ध्यान में रखना है। व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस, ड्यू टू दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन द सर्किट दो नो करंट फ्लोस थ्रू द कैपेसिटर, ओके। तो ये मैंने आपको कल भी समझाया था, ओके, कि कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं होता, ओके। लोग बोलते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स चार्ज होते हैं, ओके, फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में चार्ज हो गए, सेकंड हाफ में क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, ओके, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। एनीवे, नाउ वी से द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट, इट कंज्यूम्स द इलेक्ट्रिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाइल अ प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी इलेक्ट्रिकल पावर एंड नो हीट इज प्रोड्यूस्ड, द रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स, व्हाइल द रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। हम लोग बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट, ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। लेकिन जहां पे रिएक्टेंस की बात आती है, ओके, अभी जो मैंने बोला वो रेजिस्टेंस के लिए बोला, रेजिस्टेंस इज व्हाट, इट इज, आप ऐसे बोल सकते हो, इंडिजिनियस प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट, ओके। तो हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट है ना क्या, हम लोग जैसे बोलते हैं, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, वी से आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या सर्किट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, ये आपको आ रहा है समझ में, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। लेकिन जहां पे रिएक्टेंस की बात आती है, तो हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस जो है, ओके, तो रिएक्टेंस के दो फॉर्मूले क्या देखे थे हम लोगों ने, एक्सएल इज इक्वल टू 2πf(L) एंड एक्सी
इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई ओके एफ इनटू सी। डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं कि इंडक्टेंस जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर कॉइल एंड कैपेसिटेंस जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट कैपेसिटर। यानी हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटेंस का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है फॉर अ गिवन कैपेसिटर, बराबर है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि XL का वैल्यू ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फ्रीक्वेंसी एंड XC का भी वैल्यू क्या है इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है ओके। तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट द मेक ऑफ द सर्किट या मेक ऑफ द कंडक्टर, ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है। लेकिन हम लोग बोलते हैं XL और XC जो है ओके इट मेजरली डिपेंड्स ऑन व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ EC ओके, CET पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ओके तो वो एनर्जी जो है वहां पे वेस्ट होती है या कंज्यूम होती है, या हम लोग ऐसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कुछ जो पार्ट है वो हीट में कन्वर्ट होता है इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। लेकिन प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम लोग बोलते हैं ऐसा कोई हीट लॉस नहीं होता है या एनर्जी लॉस नहीं होता है, ये क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद आज हम लोग क्या देखेंगे, जो थर्ड कंसेप्ट है हमारा वो देखेंगे एसी थ्रू अ सीरीज ऑफ प्योर इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर ओके। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज LCR सर्किट ओके। तो हम लोगों ने क्या किया है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी ओके। तो ये बेसिकली आपका क्या है, तो EMF का इक्वेशन है और ये आपका AC का सिंबल है ओके। तो ये जो AC सप्लाई है वो हम लोगों ने किसको लगाया हुआ है, थ्रू अ सर्किट एक इंडक्टर एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर को लगाया हुआ है ओके। ये तीनों कैसे लगे हुए, सीरीज में लगे हुए हैं ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिकली अगर मैं बोलता हूं कि I जो है यानी करंट जो है उसको हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया यानी एक्स एक्सिस पे आई कंसिडर किए, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो ER रहेगा यानी हम लोग बोलेंगे EMF विच इज अप्लाइड टू प्योर रजिस्टर। तो हम लोग बोलेंगे आई और EMF क्या रहने वाला है, सेम फेज में रहेगा। प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या रहता है, हम लोग बोलते हैं करंट आई और जो EMF E है वो एक साथ इंक्रीज होते हैं एक साथ डिक्रीज होते हैं, मैं AC की बात कर रहा हूँ, ये आपको आ रहा है समझ में ओके। तो हम लोग बोलेंगे जो प्योर रजिस्टिव सर्किट रहेगा उसमें E का इक्वेशन रहेगा E0 साइन ओमेगा टी, I का इक्वेशन रहेगा I0 साइन ओमेगा टी, दोनों का फेस क्या है सेम है। इसलिए हम लोग देखो यहाँ पे I और ER एक साथ दिखा रहे हैं, ये पहला जो एरो है वो ER का है और ये जो एरो है वो I का है, ये क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंडक्टिव सर्किट के लिए ये देखा है कि जो उसका EMF होता है ओके वो EMF क्या करता है, लीड करता है बाय 90 डिग्री, और जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसका जो अप्लाइड EMF है वो लैग करता है ओके। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू शो ओके कि XL का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन XC है। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझो, XL का वैल्यू इज ग्रेटर देन XC, इसके वजह से EL का वैल्यू क्या है, इट इज ग्रेटर देन EC, और EL माइनस EC जो रहेगा जो नेट कंपोनेंट रहेगा वो वर्टिकली क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा ओके। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, तो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वही यहाँ पे दिया हुआ है, EC लैग्स करंट I बाय पाई बाय 2 रेडियन ओके यस, और EL जो है तो इट लीड्स करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन ठीक है। And ER and I, they are in the same phase as shown in the phasor diagram. ठीक है? Voltages EL, EC and ER are given by ER is equal to what I into R, Ohm's law. EL is equal to what I into XL and EC is equal to what I into XC. Okay? तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, क्यों? तो हम लोग बोलते हैं कि ये सीरीज में लगे हुए। अब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं कि XL का वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन XC. तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा EL का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी ग्रेटर देन EC. ओके ये कॉमन सेंस है, देखो दोनों के लिए आई का वैल्यू सेम है, अगर एक्सएल का वैल्यू एक्सी से ज्यादा रहा तो ईएल का वैल्यू क्या रहेगा, ईसी से ज्यादा रहेगा, हेंस ईएल माइनस ईसी क्या रहने वाला है, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईएल, ये क्लियर है आप लोगों को ओके। अब हम लोग क्या बोलते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ ईआर कॉमा ईएल एंड ईसी, यानी क्या, तो अभी हमारे पास बचे हुए क्या है, दो कॉम्पोनेंट ओके चाहिए, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो ऐसे देखो ये हमारा बेसिकली दिस इज करंट आई ओके, इसके अलोंग हम लोग बोल रहे हैं, इसे बना लेते, इसके अलोंग मैं बोल रहा हूं कि वी हैव ER, इसको ये करंट को लीड करने के लिए मैं यहां पे बना देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट EL, और इधर मैं बना देता हूं This is EC. बहुत नीट नहीं आ रहा डायग्राम, लेकिन होप आप एडजस्ट कर लोगे ओके। और मैं बोलूंगा EL और EC में से ओके जो बचेगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं EL और EC क्या है ओके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे मैं रेड इससे दिखा देता हूं
ईएल में से ईसी जाएगा, ये जो कंपोनेंट रहेगा मैं रेड कर देता हूँ, ये आपका कंपोनेंट क्या हुआ, दिस इज योर ईएल माइनस ईसी, और ये जो कंपोनेंट है लेट अस से दिस वन, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया पैरेललोग्राम का, इन्हें रेक्टेंगल का, ओके। इसका जो डायगोनल रहेगा लाइक दिस, वो क्या रहेगा, इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, ओके। ये जो रिजल्टेंट ईएमएफ रहेगा उसको मैं ई बोल देता हूं। तो मैं ऐसा बोलूंगा, ई इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर प्लस ई आर, ओके। और ये जो आपका नेट ईएमएफ जो है, ओके, दोनों के कॉम्पोनेंट का जो रिजल्टेंट है, वो जो आई के साथ एंगल बनाता है वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी फाई। तो सपोज अगर मैं ऐसा बोलता हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो जो ई एम एफ ई रहेगा उसका इक्वेशन क्या रहेगा, इट विल बी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ई एम एफ इज लीडिंग बाय वॉट एंगल, फाइव, ये हो जाएगा प्लस फाइव, ओके। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इसको अलग वे में भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं ई एम एफ ई का बेसिक इक्वेशन लेता हूँ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट आई का इक्वेशन आएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस वाई, ये क्लियर है, ओके यस। तो आप इसमें से दोनों सेट में से कोई भी एक सेट क्या है, ओके, ये भी सेट सही है, ये भी सेट सही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये सेट के साथ जाएंगे। एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं, ओके, टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या बोला है, तो वी कैन सी, जैसे हम लोगों ने बोला है फ्रॉम फेजर डायग्राम ई स्क्वायर क्या रहने वाला है, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अच्छा आगे उसमें उन्होंने सॉल्व भी किया है, ओके, जो आपका ई आर था उसको क्या डाल दिया, ओम्स लॉ से आई इंटू आर, और इसको क्या डाल दिया, आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी द होल स्क्वायर, थ्रू आउट उन्होंने आई कॉमन लिया, अच्छा जब आई कॉमन लिया तो आई बाहर निकल के क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया, ये तो आपको पता है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर, यानी ई एम एफ ई जो रहेगा दैट विल बी ई इज इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एक सिंपल बात बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, चाहिए तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके बता देता हूँ, आपका जो ई एल है, ओके, दैट इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू एक्स एल, ई सी जो है दैट इज आई इंटू एक्स सी, ई आर जो है हम लोग बोलते हैं इट इज ई एम एफ अप्लाइड टू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो वो रहेगा आई इंटू कैपिटल आर। जब ये सब अप्लाई किया है तो हम लोग बोलेंगे ई विल बी इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ, ओके, ई एल माइनस ई सी, यानी ये आपका हो जाएगा आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी द होल स्क्वायर प्लस आई इंटू आर द होल स्क्वायर, ओके। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, आई कॉमन ले लिया, ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में डाल देता हूं, एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके यस। तो ये आपका क्या हुआ, ई एम एफ का इक्वेशन हुआ, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सिर्फ आई नहीं आएगा, आई स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये हम लोग स्क्वायर में से बाहर निकाल रहे हैं ब्रैकेट में से, तो ये आई स्क्वायर जो है जब ये रूट में से बाहर आएगा तो आपको क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ वॉट, एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ई है इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा बोल देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी ई अपॉन आई, विच इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। एंड बाय ओम्स लॉ हम लोग क्या बोलेंगे, ई अपॉन आई इज वॉट, इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ ए सी करेंट, या फिर टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ ए सी करेंट, एंड द टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ ए सी करेंट इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस, जो मैं एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, जेड इज इक्वल टू वॉट, एक्स एल, ये थोड़ा सा एल और सी है ना एक जैसे दिख रहे हैं, मैं सी कर देता हूँ, ओके, एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्लियर है आप लोगों को। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने टैन फाई डिफाइन किया, एकदम सिंपल है, आप यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री लगाओ,
ये पार्ट जो है ई एल माइनस ई सी वही आपका ट्राइंगल का ये पार्ट रहेगा, तो टैन फाई क्या रहेगा, इट विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी इट इज गोइंग टू बी ई एल माइनस ई सी अपॉन ई आर। ओके, बोलने का मतलब मेरा एकदम सिंपल है कि जो टैन फाई रहेगा ओके दैट विल बी इक्वल टू ई एल माइनस ई सी अपॉन ई आर। ई एल को हम लोग क्या डालेंगे, आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू कैपिटल आर। ओके, थ्रू आउट आई कैंसिल हो जाएगा, टैन फाई का आपको एक और इक्वेशन मिलता है एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, फाई क्या रहेगा, इट विल बी टैन इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये क्लियर है? ओके, द इक्वेशन फॉर करंट आई इज इक्वल टू वॉट, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। मैंने आपको बोला मैं आप ये दोनों सेट में से कौन सा भी कंसिडर कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में ये बोला हुआ है द इक्वेशन फॉर करंट आई इज वॉट, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, या फिर अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो तो ई एम एफ का इक्वेशन ये रहेगा। ये क्लियर है? ओके, अब इसमें अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं इफ ई सी इज ग्रेटर देन ई एल, अगर ई सी इज ग्रेटर देन ई एल तो ऐसे केस में क्या होगा। ओके, मैं डायग्राम में आपको बता देता हूं हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर देते हैं। सो ये हमारा क्या रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी ई एल, ये आपका क्या रहेगा, दिस विल बी ई आर। और अभी जो नेक्स्ट कंडीशन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, पहला वाला कंडीशन था ई एल वॉज ग्रेटर देन ई सी, अब बोल रहे ई एल इज लेस देन ई सी। तो ऐसे केस में जो नेट रिजल्टेंट रहेगा ई सी में से ई एल क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो ई सी माइनस ई एल हो जाएगा, और ई सी माइनस ई एल जो है वो मैं ब्लू कलर से लिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपका ई सी माइनस ई एल दिस पार्ट। ओके, अब ये इसमें हम लोग बोलेंगे ये आपका पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका रिजल्टेंट रहने वाला है, रिजल्टेंट ईएमएफ। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ही हमारा करंट आई भी था, करंट आई का इक्वेशन अगर मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, एक एजम्पशन ले रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं ऐसे केस में जो फाई है ओके वो क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, यानी हम लोग बोल रहे हैं इट इज बिकमिंग वॉट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ई एम एफ ई क्या करेगा, यहाँ पे लैग करेगा, तो ई एम एफ ई का इक्वेशन क्या रहेगा, ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। एक तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा, या फिर आप ऐसे कर लो कि आप ई के इक्वेशन को अगर ऐसे बोल रहे हो ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको ये दिखाना है एक तो ई एम एफ लैग कर रहा है या करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ये हो जाएगा आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्लियर है? बस यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आई होप आपको ये समझ में आया है। हम लोग बोलते हैं इन जनरल द इक्वेशंस फॉर रिजल्टेंट ईएमएफ एंड द करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, अब इसका आगे का पार्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे दिया हुआ है इफ द कैपेसिटर इज एबसेंट देन द सर्किट इज कॉल्ड एज एल आर सर्किट। ओके, और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो ये फॉर्मूला था E इज इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। ओके, उसमें एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और आपका जो इक्वेशन रहेगा E विल बी इक्वल टू वॉट, आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब ये जो E अपॉन आई है ओके वो आपका क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे टोटल इम्पिटेंस जेड। ओके, एंड जेड विल बी वॉट, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, यस, तो ये हम लोगों ने अभी इरेज कर दिया, लेकिन एलसीआर सर्किट का जेड क्या था, तो इट वॉज अंडर रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है अगर सिर्फ एल आर सर्किट है तो एक्स सी का कंपोनेंट क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा, तो आपको जेड क्या मिलेगा, एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्लियर है? ओके, और सिमिलरली हम लोग बोलेंगे इफ द इंडक्टर इज एबसेंट देन द सर्किट इज कॉल्ड एज वॉट, आर सी सर्किट। ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ई अपॉन आई विल बी इक्वल टू वॉट, ओके, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के जगह पे हम लोग बोलेंगे अभी एक्स सी रहेगा, ओके, एक्स एल का कॉम्पोनेंट नहीं रहेगा, तो जीरो माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर, ये नहीं क्या हो जाएगा, माइनस एक्स सी का स्क्वायर क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो आपको मिलेगा इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये क्लियर है? ओके, आई होप आपको इम्पिडेंस और रिएक्टेंस का कंसेप्ट समझ में आया है।
जब मैं रिएक्टेंस की बात करता हूँ, तो इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इट इज बोथ। और जब मैं इंपीडेंस की बात करता हूँ तो उसमें हम लोग जो रेजिस्टेंस का कॉम्पोनेंट है वो भी क्या करते हैं, हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इंपीडेंस का यूनिट क्या है? तो इंपीडेंस का यूनिट वही रहता है जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, विच इज वॉट ओम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, तो अभी जो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए रीड करके बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल एंड अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल एंड सी। ओके, इसका बेसिकली क्या है कंसेप्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये आपका पहला फिगर है, फिगर 16.12a। इसमें हम लोग बोलते हैं कि एक फुली चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, यस। और ये जो की है वो क्या है, वो की हम लोग बोलते हैं इट इज ओपन। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, की को क्लोज कर दिया। की क्लोज किया है तो हम लोग बोलेंगे जो कैपेसिटर का पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वहां से करंट फ्लो होगा। ओके, एंड इट विल पास थ्रू वॉट, इंडक्टर। ओके, ये क्लियर है। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो ये दोनों केसेस का देख लेते हैं। सपोज द कैपेसिटर सी इज इनिशियली चार्ज विद पोलैरिटी एज शोन इन द फिगर 16.2a। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज सेंडिंग द करंट थ्रू इंडक्टर। ये क्लियर है। ओके, जो आपको सेकंड डायग्राम में दिख रहा है, दिस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर कॉइल व्हिच इंक्रीजेस स्लोली ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल इज व्हाट, मैक्सिमम। ये क्लियर है। At this time, the electrostatic energy of the capacitor is converted into magnetic field energy of the inductor, as shown in the figure. ये clear है? यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे capacitor discharge हो रहा है, yes, तो हम लोग बोलते हैं कि जो magnetic field है वो क्या होता जाता है, yes, वो increase होते जाता है, यानी magnetic flux associated with the inductor coil, वो increase होते जाता है। वो जब increase होते जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप ऐसा समझ लो कि if a coil is placed in changing magnetic field, ओके, या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बैक ईएमएफ। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि कैपेसिटर जो रहेगा वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, और ऐसे पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, एट दिस टाइम द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ये आपको आया समझ में? ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो बैक ईएमएफ है तो उसके वजह से जो करंट है अब वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा यानी क्या, ओके, तो एकदम सिंपल है, आपको यहां पे देखना है। नाउ ड्यू टू बैक ईएमएफ ऑफ द कॉइल द करंट फ्लोस इन द रिवर्स डायरेक्शन, द कैपेसिटर बिगिंस टू चार्ज विद अपोजिट पोलैरिटी एज शोन इन द फिगर, दस द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगेन। नाउ अगेन द कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज सेंडिंग करंट थ्रू द इंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन as shown in the figure 16.12d. In this way, the charging and discharging of capacitor goes on repeating by reversing the direction of current producing AC, that is oscillating current. ये clear है आप लोगों को? Okay, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ये वाला डायग्राम आप देखिए, okay? कि जैसे जैसे करंट पास हो रहा है या कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इंडक्टर कॉइल जो है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे जो इंडक्टर रहेगा, ओके, उसका जो बैक ईएमएफ रहेगा वो क्या करेगा, कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? इन कैपेसिटर को इस तरह से चार्ज करेगा कि कैपेसिटर की जो पोलैरिटी अभी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी इट विल गेट अपोजिटली चार्ज। ठीक है, और फिर हम लोग बोलेंगे ये जब पूरी तरह अपोजिटली चार्ज हो जाएगा, ओके, नाउ विल से द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द कॉइल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर कैपेसिटर। ओके, अगेन कैपेसिटर क्या होगा, अभी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। ओके, तो आप देखो कि यहाँ पे जो पहला वाला साइकिल है, ओके, पहला वाला साइकिल या पहला हाफ ऑफ द साइकिल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ओके, यस, वहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो कैपेसिटर है, ओके, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है, और नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है कैपेसिटर, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, इन दिस वे द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर गोज ऑन रिपीटिंग by reversing the direction of the current producing AC, okay? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call it as oscillating current, okay? Oscillating current क्यों बोलते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि पहले ये let us say clockwise
लोग बोल रहे हैं फ्लो हो रहा है, और फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। आई होप आपको ये आया समझ में। ओके एकदम सिंपल है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक कंडक्टर है और इसमें से करंट कैसा फ्लो हो रहा है, लेट अस से फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फिर बाद में टॉप टू बॉटम, ये आपको आ रहा है समझ में। तो अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा है मैं इसको क्या बोलूंगा कि जो करंट है या जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। हेंस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट एज एलसी ऑसिलेटर। ओके ये क्लियर है आप लोगों को। ओके एलसी ऑसिलेटर या एलसी ऑसिलेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग बोलेंगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट, पावर इन एसी सर्किट विद रेजिस्टर। ओके ये फर्स्ट हुआ, सेकंड इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके नाउ पावर इन एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टर, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिकल पावर इज व्हाट, इट इज वोल्टेज इनटू करंट, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, हम लोग बोलेंगे पी इज इक्वल टू ई इनटू आई। बट हम लोग बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं। बोलने का मतलब क्या, ई जो रहेगा वो रहेगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो आई रहेगा दैट विल बी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसमें मैं बोलूंगा ई नॉट आई नॉट एक साथ आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके अब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन शोज दैट पावर वेरीज विद द टाइम। ओके हेंस वी कंसिडर द एवरेज पावर फॉर द कंप्लीट साइकिल बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। ओके अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको ये जो पावर का इक्वेशन मिला है, ओके वो भी कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट, ये ना हम लोग बोलेंगे जैसे स्मॉल टी का वैल्यू चेंज होगा वैसे ही साइन स्क्वायर फंक्शन जो है उसका वैल्यू चेंज होगा और इंस्टेंटेनियस पावर भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से जो इंस्टेंटेनियस वर्क डन है बाय द इलेक्ट्रिक करंट उसको बोलेंगे डी डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस पावर पी इनटू दैट स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, ये आपको आ रहा है समझ में। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो हमारा क्या है, ई जीरो इंटू आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके ये आपका डी डब्ल्यू का इक्वेशन है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे एवरेज वर्क डन निकालना है या एवरेज पावर का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, मैं बोलूंगा एवरेज पावर क्या रहना है, मैं बोलूंगा वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल, ठीक है। यस क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो एसी करंट है वो साइनोसॉइडल नेचर का है। ओके तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, सिंपल है, इट इज गोइंग टू बी वन अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, ये क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू क्या रहने वाला है, डब्ल्यू इज नथिंग बट हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू कैपिटल टी, ओके टी डब्ल्यू अपॉन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कैपिटल टी। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी जीरो टू कैपिटल टी, ओके ई जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कैपिटल टी है वो कॉन्स्टेंट है तो उसको अंदर लेना है या बाहर ही रखना है वो आपके ऊपर है। ओके मैं बोलूंगा जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको सबको बाहर निकाल दो, तो ई जीरो आई जीरो ये पीक वैल्यूज है और जो टी है उसको बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास क्या है, जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं cos 2 डीटा का फॉर्मूला देखता हूं, ओके बेसिकली इट इज व्हाट, cos स्क्वायर डीटा माइनस साइन स्क्वायर, कैन आई से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, cos स्क्वायर डीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर डीटा बोल सकते हैं, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, cos 2 डीटा, 2 साइन स्क्वायर डीटा को यहां पे ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस cos 2 डीटा, एंड क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 साइन स्क्वायर डीटा जो है, ओके तो साइन स्क्वायर डीटा क्या होगा, इट विल बी 1 माइनस cos 2 डीटा अपॉन 2। तो ये जो है ये सब्सटीट्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ओके उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली उसका आंसर बता दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बिटवीन लिमिट 0 टू कैपिटल टी। ओके तो उसका आंसर उन्होंने डायरेक्टली इस तरह से दे दिया, इट इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल टी बाई टू। ओके लेकिन आपको बस ये इतना ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या चेंजेस की, ये सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। हम लोग बोलेंगे पी एवरेज विल बी इक्वल टू वॉट, ई जीरो आई जीरो अपॉन टी, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ये डाल देता हूँ, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 टू टी, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टीटा के जगह पे आएगा 2 ओमेगा टी, और जो अपॉन 2 है, ओके तो अपॉन 2 को क्या कर लेते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं, ये समझ में आ रहा है, ओके यस। और ये ब्रैकेट मैं यहाँ पे डी टी यूज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ई जीरो आई जीरो
अपॉन टू टी, यहाँ पे मैं एक बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी, ये डी टी वन को मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी कॉस ऑफ टू ओमेगा टी। ओके, अब मैं आपको एकदम सिंपल बात बताता हूँ, तो बेसिकली इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी ई जीरो आई जीरो अपॉन टू टी। ओके, ये सॉल्व किया तो आपको आंसर क्या आएगा, दिस विल कम एज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्या रहने वाला है टी, की लिमिट्स क्या है टी और जीरो, तो ये हो जाएगा आपका टी माइनस जीरो। ओके, माइनस ये जो है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखो आपको आंसर क्या आएगा, जीरो। ओके, यस, ये आपको मैं यहाँ पे ओके शॉर्ट में सॉल्व करके बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ टू ओमेगा टी डी टी, ओके, बिटवीन लिमिट्स जीरो टू टी। ओके, सिर्फ ये पार्ट में सॉल्व करके बता देता हूँ, ये आपका आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा। ओके, और इसमें जो लिमिट्स लगेंगे वो रहेगा जीरो से लेके टी तक। ओके, यस, इसका मतलब क्या, टू ओमेगा हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो पहला पार्ट आपको मिलेगा दैट विल बी साइन ऑफ टू ओमेगा, ओके, इन टू कैपिटल टी माइनस साइन ऑफ टू ओमेगा। तो स्मॉल टी का पहला वाला वैल्यू क्या है, अपर लिमिट जो है वो कैपिटल टी, ओके, और अगला वाला जो है तो हम लोग बोलेंगे इट इज जीरो, तो ये हो गया साइन ऑफ टू ओमेगा इन टू जीरो, तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओके, यस, अब ये क्या होने वाला है, साइन टू ओमेगा इन टू जीरो, इट इज गोइंग टू बी वॉट, एकदम कॉमन सेंस है, ये जीरो है, तो साइन जीरो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी जीरो, यानी एक टर्म पूरा जीरो हो गया। अब रही बात साइन टू ओमेगा इन टू टी, तो मैं सिर्फ आपको इतना बताता हूँ, ओमेगा इंटू टी क्या होता है, ओमेगा इज वॉट, टू पाई अपॉन टी, बराबर है, इंटू टी, तो टी एंड टी क्या हो जाएगा, हम लोग बोले के कैंसिल, तो बेसिकली ओमेगा इंटू टी आपको क्या रहेगा, टू पाई, टू पाई इंटू टू क्या होने वाला है, फोर पाई, तो साइन ऑफ फोर पाई क्या रहेगा, जीरो, यानी आपको ये जो ब्रैकेट रहेगा, ये ब्रैकेट में जीरो माइनस जीरो, दिस इज गोइंग टू बी वॉट जीरो, जीरो इंटू वन अपॉन टू ओमेगा, दैट इज अगेन गोइंग टू बी वॉट जीरो। बोलने का मतलब क्या है, ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू क्या आएगा, इट विल कम एज जीरो, ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, नाउ वी से इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो, ओके, तो मैं ये जो स्पेस है उसमें लिख देता हूँ आंसर लाइक दिस, तो हमें क्या मिलेगा, पी एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ई जीरो इंटू आई जीरो अपॉन, अभी यहां पे सिर्फ एक ही टर्म रहेगा कैपिटल टी, वो कैपिटल टी और ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास रहेगा ई जीरो आई जीरो अपॉन टू, और इसको हम लोग क्या करते हैं, E0 टू को मैं ऐसे लिख देता हूं रूट टू इंटू रूट टू, तो ये हो जाएगा E0 अपॉन रूट टू इंटू आई जीरो अपॉन रूट टू, ओके, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, ये जो डेरिवेशन है वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैंने इसको पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं, पावर इन ए सी विद इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब एलसीआर सर्किट होता है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो करंट का इक्वेशन लेंगे आई, दैट विल बी व्हाट, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और जो ईएमएफ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका इक्वेशन हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी, ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्सएल का वैल्यू ज्यादा है, ओके, तो ईएमएफ क्या करेगा, लीड करेगा, ऐसे केस में करंट क्या करेगा, लैग करेगा, आपको याद है ये हम लोगों ने अभी देखा है थोड़ी देर पहले, हम लोग बोलेंगे आई का इक्वेशन रहेगा एक तो आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्ससी लीड कर रहा है तो हमारा जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हम लोग श्योर नहीं है कि एक्सएल लीड कर रहा है या एक्ससी लीड कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ईएमएफ का इक्वेशन ऐसा लिख दिया ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड आई का इक्वेशन ऐसा लिखा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, एक तो प्लस या माइनस दोनों कंडीशंस एक साथ हम लोग क्या करके लेके इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी पी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई, इसमें ई जीरो आई जीरो को एक साथ ले लिया जैसे पिछले इसमें किया था, साइन ओमेगा टी इंटू ब्रैकेट हम लोग क्या बोलेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन फाइव, ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, अब ये जो है ये बेसिक आपका मैथ्स का फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो आपको इतना आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ऑफ ए माइनस बी क्या है,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वो यूज किया था, तो उसमें दोनों एक साथ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, इसलिए प्लस माइनस साइन। अब साइन ओमेगा टी आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो टर्म आ जाता है ये आपका हो जाएगा ई जीरो आई जीरो ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है यस। अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोगों ने पहले ही सॉल्व किया था। ओके ये पार्ट यहां पे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ओके साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसका आंसर हमारा क्या आया था ओवरऑल, ओके इट केम एज वॉट, तो आई थिंक इसका आंसर आया था आपका कैपिटल टी आया था, बराबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके ये जो आपका आंसर था दैट केम टू बी वॉट आई थिंक ई जीरो आई जीरो अपॉन टी, और ये जो आपका आया था आंसर ओवरऑल टी बाई टू आया था, नॉट जस्ट कैपिटल टी, इट वॉज टी बाई टू, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके यस। तो एनी वे अभी ये वापस पूरा हम लोग नहीं करेंगे, ये वैल्यू डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके हम लोग बोलेंगे जो एवरेज पावर रहेगा वो क्या रहेगा, वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन टाइम फॉर वन साइकिल, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी जीरो टू टी लिमिट अपॉन टी। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे आपका जो इक्वेशन आएगा ओके उसको कैसे हम लोग ये करेंगे, सॉरी मैं ये साइड का लिख रहा हूँ, यहाँ का लिखना चाहिए p average is equal to work done in one cycle upon time for one cycle, that is integration 0 to t p into dt upon t। अब जो average power है यहाँ पे तो ये equation हम लोग consider करें। ओके यहाँ पे आपको cursor दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 0 to t integration e 0 i 0 bracket sin square omega t cos phi plus minus cos omega t sin phi ओके dt। तो एकदम सिंपल है, हम लोग इसको अभी सेपरेट कर देंगे लाइक दिस। तो आपको e0 i0 cos phi और इंटीग्रेशन में क्या बाकी रहेगा 0 टू t sin square omega t dt, ये अभी हम लोगों ने देखा है। ओके इसका आंसर क्या मिला था अपने को t by 2। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0 टू t इंटीग्रेशन ऑफ ओके cos omega t sin omega t dt, अब बेसिकली cos omega t sin omega t को क्या करेंगे हम लोग, उसको लिखेंगे 2 cos omega t sin omega t upon 2। 2 cos omega t sin omega t क्या होता है sin of 2 omega t, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो वही अरेंजमेंट में ओके यहाँ पे उन्होंने दिखाया नहीं लेकिन उन्होंने क्या किया ओके बेसिकली ये जो है टर्म आपका cos omega t sin omega t dt को 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 2 बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t 2 sin omega t cos omega t इज नथिंग बट sin 2 omega t, और उसका आंसर क्या आएगा हम लोग बोलेंगे इट विल बी 0। ये आप सॉल्व करके देखो, अगर आपको नहीं समझा ओके तो मैं आपको क्या है ओके जो अगला लेक्चर रहेगा ओके उसमें मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप लोगों ने ग्रुप पे मुझे क्वेश्चन पूछना है अगर आपको कुछ भी डाउट रह रहा है। ओके यस, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा और आपका फाइनली ये वैल्यू जब ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट कॉस फाइव इंटू टी बाई टू प्लस माइनस जीरो। अगेन यहाँ पे टी टी कैंसिल हो जाएगा, पिछले जो इक्वेशन है वैसा ही है सिर्फ यहाँ पे कॉस फाइव क्या है एक्स्ट्रा आया है, क्या आपको आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे भी जो पी एवरेज आएगा आपका वो क्या आएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, द क्वांटिटी ई आर एम एस एंड आई आर एम एस इज कॉल्ड ओके यानी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज कॉल्ड अपेरेंट पावर। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव इज कॉल्ड एज ट्रू पावर। अब ये बेसिकली क्या है तो ये भी देखेंगे हम लोग, दिस शोज दैट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए सी सर्किट ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द आर एम एस वैल्यूज बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस फाइव। ओके ये आपको आ रहा है समझ में, द फैक्टर कॉस फाइव इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर कंज्यूम्ड इन द एसी सर्किट। ओके इन्हें ऐसे समझ लो कि हम लोग जो अपेरेंट पावर कंसिडर करते हैं ओके वो क्या रहता है, तो इट इज सिंपली ई आर एम एस आई आर एम एस। ओके लेकिन जो ट्रू पावर रहता है तो वो क्या रहता है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये एक फैक्टर जो है वो हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा रहता है। ओके दैट इज कॉल्ड एज वॉट पावर फैक्टर। ओके हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट। ओके यूजिंग द थ्योरी ऑफ एसी सर्किट वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट ओके कॉस फाइव इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, हम लोग बोलेंगे इट विल बी आर अपॉन जेड। ओके नोट इन प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट फाइव का वैल्यू क्या होता है, यानी आइदर इट इज प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव फाइव का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी 90। ओके नो एवरेज पावर इज कंज्यूम्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये आपको ध्यान में रखना है। When the average power consumed in the circuit is zero, the circuit, the current is said to be wattless. Since this current does not perform any work, this current may be called as idle current. Okay? For purely resistive circuit, हम लोग बोलते हैं कि जो EMF है,
और जो करंट है उसके बीच में का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे केस में कॉस फाई का वैल्यू क्या रहता है, वन, और जो पावर फैक्टर रहेगा वो यूनिटी रहेगा, पावर फैक्टर यानी कॉस फाई। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस, मैं वापस आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो केस दिए हुए, एक तो प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव कैपेसिटिव। तो उसमें हम लोग बोलते हैं फाइव का जो वैल्यू रहता है वो 90 रहेगा, 90 या 270, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कॉस फाइव का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी जीरो। तो हम लोग बोलते हैं नो एवरेज पावर इज कंज्यूम्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये क्लियर है? लेकिन प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हम लोग बोलेंगे जो फेज डिफरेंस रहेगा फाइव, इट विल बी जीरो, कॉस फाइव का वैल्यू क्या रहेगा, वन, और हम लोग बोलेंगे जो पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट है इट इज ओनली ड्यू टू वॉट, रेजिस्टेंस। आई होप ये क्लियर है। ओके, तो ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे इसका फाइनल इफेक्ट क्या रहेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं इट विल बी कन्वर्टेड इन टू हीट। ओके, यस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, दैट इज रेजोनेंट सर्किट्स। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, ये पार्ट आप लोगों ने रीड करना है। तो बेसिकली एक LCR सर्किट है, यानी इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया हुआ है, उसको एक EMF सोर्स लगाया हुआ है। हम लोग बोलते हैं उसका इंपेडेंस क्या रहेगा, यानी इंपेडेंस जेड विल बी गिवन बाय वॉट, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है। करंट आई का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी ई अपॉन इंपेडेंस। ओके, ये भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड EMF इज सच दैट, ओके, इट इज एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, जहां पे एक्सएल का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू एक्सी। ओके, यानी एफ का वैल्यू हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, और वो एफ का वैल्यू क्या रहेगा वो भी आगे देखने वाले हैं। ओके, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अभी एक्सएल क्या है, इट इज ओमेगा इन टू एल, और एक्सी क्या है आपका, वन अपॉन ओमेगा इन टू कैपिटल सी। तो जहां पे ओमेगा एल और ओमेगा सी, ओके, या वन अपॉन ओमेगा सी, ये सेम हो गए, तो ऐसे केस में एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, जेड विल बी इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। ये पूरा मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एकदम ईजी पार्ट है ये। ओके, तो जहां पे आपको जेड विल बी इक्वल टू आर, ऐसे इसमें हमको, हम लोग क्या बोलते हैं, द सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ओके, द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, डेफिनेटली। अगर आप बोल रहे हो कि एक्सएल माइनस एक्सी का कॉम्पोनेंट ही नहीं है, ओके, तो जेड विल बी इक्वल टू वॉट, ओनली आर। तो ये हम लोग बोलेंगे इंपिडेंस का क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और इंपिडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, तो हम लोग बोलेंगे बाय ओम्स लॉ करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द करंट एंड द EMF ऑफ द सोर्स आर इन द फेस। ओके, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं अभी जो इंपिडेंस है इट इज प्योरली वॉट, रेजिस्टिव। ओके, वी से देयर इज रेजोनेंस इन द सर्किट। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ओके, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जहां पे एक्सएल और एक्सी क्या होता है, सेम होता है, ओके, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आपको ये ध्यान में रखना है करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है और इंपिडेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, प्लस इंपिडेंस 100% रेजिस्टिव हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। और ऐसे इसमें हम लोग बोलते हैं जो कॉस फाई रहता है, फाई का वैल्यू शून्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, एंड कॉस फाई का वैल्यू क्या रहेगा, वन रहेगा। ओके, अब आपको एक और बात इसमें ध्यान में रखनी है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे आप, ओके, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ाते जाते हो, ओके, हम लोग बोलेंगे आई का वैल्यू बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब क्या, हम लोगों ने ये जो रेजोनेंस का ग्राफ है वो स्टेशनरी वेव्स में भी देखा था, रेजोनेंस फिनोमेना में। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही है, हम लोग बोलते हैं जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है करंट का, ओके, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, और वो जो हमारा LCR सर्किट है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे एक्सएल और एक्सी का वैल्यू सेम हो जाएगा और करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ओके, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। अब आप फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे और बढ़ाते हैं करंट का वैल्यू डिक्रीज होने लगता है। ओके, सी द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज वॉट, जेड मस्ट बी वॉट मिनिमम एंड इट मस्ट बी इक्वल टू वॉट आर। ओके, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दैट इज ओमेगा इन टू एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा इन टू सी। इसको रीअरेंज किया आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, वन अपॉन एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ये क्लियर है? तो इससे आपको जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ओके, तो बेसिकली आपको एफ आर का जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ एल इन टू सी। ये आपको आया समझ में? यानी ये फ्रीक्वेंसी पे हम लोग बोलते हैं कि इंपिडेंस क्या रहता है, मिनिमम रहता है, एंड करंट का वैल्यू क्या रहता है, इट इज मैक्सिमम। आई होप ये आपको ग्राफ भी अच्छे से समझाए जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, द वेरिएशन ऑफ RMS करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज शोन। ओके, ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। हम लोग बोलते हैं दिस सर्किट
एट रेजोनेंट कंडीशन इज वेरी यूजफुल इन रेडियो रिसीवर और टीवी रिसीवर्स फॉर ट्यूनिंग द सिग्नल फ्रॉम अ डिजायर्ड ट्रांसमिटिंग स्टेशन ओके और चैनल. वी नो दैट व्हेन द एसी करंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर सेंट थ्रू सीरीज रेजोनेंट सर्किट इट ऑफर्स मिनिमम इम्पीडेंस ओके यस टू द करंट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड हाई इम्पीडेंस टू द अदर फ्रीक्वेंसी. बोलने का मतलब क्या है ओके कि अगर हम लोग बोलते हैं कि लेट अस से एक एंटीना है ओके उसके ऊपर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओके इंसिडेंट हो रहे हैं. अब मैं आपको रेडियो रिसीवर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ. हम लोग बोलेंगे कि उसमें एन नंबर ऑफ क्या है ओके करंट जनरेट हो गए. अब उसमें वही करंट क्या होगा एक्सेप्ट होगा जिसका फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो हम लोग बोलेंगे कि रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी है एलसीआर फ्रीक्वेंसी ओके उसके साथ मैच होगा. यानी रेडियो का एलसीआर फ्रीक्वेंसी है कौन सा ये जो रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी तो वो जो मैच होगा हम लोग बोलेंगे वो करंट क्या होगा वो करंट के लिए हम लोग बोलेंगे इम्पीडेंस क्या रहेगा मिनिमम. बाकी जितने भी हम लोग बोलेंगे करंट जो डेवलप हो रहा है ओके एंटीना में उसके लिए इम्पीडेंस क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा. यानी बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं ओके इन अदर वर्ड्स द सर्किट एक्सेप्ट ओनली करंट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट करंट ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी. ठीक है तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम लोगों ने सीखा हुआ है ओके यस फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज व्हाट एक्सेप्टर सर्किट. ठीक है अब एक्सेप्टर सर्किट में क्या करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही हम लोग बोलते हैं कि जो करंट है उसको क्या करते हैं अलाउ करते हैं या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उसको अलाउ करते हैं. इसके ओके हम लोग बोलते हैं अपोजिट में एक और सर्किट अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट. रिजेक्टर सर्किट क्या करेगा बाकी सब फ्रीक्वेंसी अलाउ करेगा सिर्फ वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या करेगा अलाउ नहीं करेगा. यहाँ पे एक्सेप्टर सर्किट में क्या है सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अलाउ होती है बाकी सब क्या होती है रिजेक्ट होती है. अब रिजेक्टर सर्किट कैसे काम करता है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी क्या तो हम लोग बोलते हैं देयर इज अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एज शोन इन द फिगर. बहुत ही सिंपल है एकदम आप लोगों ने ध्यान से देखना है. यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर क्या है हम लोगों ने पैरेलल में लगाया और उसको एक ईएमएफ सोर्स लगाया है. अब क्या मैं बोल सकता हूँ इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो ईएमएफ अप्लाई किया है वो सेम है. इसलिए हम लोगों ने x एक्सिस पे क्या दिखाया है E इज इक्वल टू ई एल इक्वल टू ई सी. बोलने का मतलब क्या है कि ई एल का वैल्यू और ई सी का वैल्यू ओके पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या है सेम है. ओके हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ओके जो करंट रहता है वो क्या करता है लीड करता है ई एम एफ को. इसलिए आई सी ऊपर की तरफ दिखाया है. और जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है ओके उसमें जो करंट रहता है ओके वो क्या करता है लैग करता है. इसलिए आई एल क्या किया है नीचे दिखाया है. ठीक है अभी ये जो केस है हम लोग बोलेंगे कि आईसी और ई जो है ओके तो हम लोग बोल रहे हैं आईसी इज वॉट लीडिंग बाय अ फेज डिफरेंस पाई बाय टू रेडियन एंड आई एल इज वॉट लैकिंग बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू रेडियन. ओके ये आपको आ गया समझ में वही आपको यहाँ पे लिख के दिया मैं. अब हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं ओके एक बात ध्यान में रखना है ओके कि आई का जो इक्वेशन आएगा यानी आई एल का जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी वॉट ई अपॉन एक्सएल बाय ओम्स लॉ. अभी ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है. और आईसी का इक्वेशन क्या रहेगा ई अपॉन एक्ससी. तो बेसिकली आपको मिल रहा है आई एल इज इक्वल टू वॉट ई अपॉन एक्सएल एंड आई सी इज वॉट इक्वल टू ई अपॉन एक्ससी. ये हम लोगों ने ओम्स लॉ लगाया है ये क्लियर है ओके. और आई इज वॉट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट एक्स. दोनों ही केसेस अगर कंसिडर किया तो आई एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल आई सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट एक्ससी. ओके बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इफ एक्सएल का वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्ससी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओके आई एल का जो वैल्यू रहेगा इट विल बी लेस देन आई सी. एक्सेल का वैल्यू ज्यादा रहा तो ई अपॉन एक्सएल क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे उसका वैल्यू कम आएगा. और एक्सी का वैल्यू कम रहा तो ई अपॉन एक्सी का वैल्यू कंपेरेटिवली क्या रहेगा ज्यादा रहेगा. उससे हम लोग बोलते हैं कि आईसी का वैल्यू क्या है इट इज ग्रेटर देन आईएल. ओके तो इस तो वो लॉजिक से हम लोग बोलेंगे द नेट करंट ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय व्हाट आई इज इक्वल टू आईसी माइनस आईएल. ओके यस आईएल माइनस आईसी नहीं बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इट विल बी आईसी माइनस आईएल. इसका रीजन क्या है आईसी का वैल्यू इज ग्रेटर देन आईएल. ओके देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे If I is equal to IC minus IL, तो उसको कैसे लिखेंगे E upon XC minus E upon XL, ओके E को बाहर ले लिया आपको मिला 1 upon XC minus 1 upon XL. अब इसके वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो XC क्या है हम लोग बोलेंगे 1 upon omega C, ओके सो इट इज 1 upon 1 upon omega C minus 1 upon omega L. ये आपको क्लियर हुआ होगा. ओमेगा C ऊपर चला जाएगा आपको क्या मिलेगा I is equal to what E into bracket omega C minus 1 upon omega L. By definition of impedance of the circuit, हम लोग बोलेंगे Z is equal to what E upon I, okay? तो हम लोग बोलेंगे कि अगर आप basically I को RHS पे ले लेते हो, okay? और ये जो पूरा bracket है, उसको LHS पे ले लेते हो, तो आपको मिलेगा E upon I which is equal to Z. हम लोग बोलेंगे Z will be equal to what one upon bracket omega C minus, okay? One upon omega L.
अब हम लोग बोलेंगे एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओके, एक्सएल और एक्सी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके, यस। तो बेसिकली एक्सएल का वैल्यू क्या है हम लोग बोलते हैं, ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलेंगे एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी, आईएल विल बी इक्वल टू व्हाट, आईसी, एंड हम लोग बोलेंगे जो नेट आरएमएस करंट है, ओके, आई ऑफ द सर्किट इज व्हाट, जीरो, दैट इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज व्हाट, इनफाइनाइट। अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके, तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ओके, यानी ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू वॉट, वन अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ओके, मैं ये साइड पे लिख देता हूं, इफ ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, देन ओमेगा सी क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा एल। तो हमारा जो ये ब्रैकेट है, ओके, कैन आई से ओमेगा सी एंड वन अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा सी इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, वन अपॉन ओमेगा एल, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओके, ओमेगा सी माइनस वन अपॉन ओमेगा एल क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो। और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इंपीडेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो करंट रहेगा उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम क्या मिलेगा, इंपीडेंस मिलेगा या इनफाइनाइट इंपीडेंस मिलेगा, और वो करंट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। इसलिए सिर्फ वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग बोलते हैं करंट क्या होता है, रिजेक्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वी कॉल इट एज व्हाट, ओके, रिजेक्टर सर्किट। देखो कंडीशन सेम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे करंट एक्सेप्ट हो रहा है क्या, नहीं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लिया कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का, ओके, वो पैरेलल में लिया हमें, ओके, यस। एनीवे हम लोग बोलते हैं इन प्रैक्टिस द इंपीडेंस जेड ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम एंड नॉट इनफाइनाइट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ओके, ये ध्यान में रखना है। हेंस द आरएमएस करंट गिवन टू द सर्किट इज मिनिमम और इट टेंड्स टू बी जीरो, दिस कंडीशन इज कंडीशन ऑफ parallel resonance, okay, this is basically the condition of parallel resonance. Note that the current through L and C are not zero, but the current taken from the source is what, zero. ये आपको ध्यान में रखना है, okay? यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो है, वो जीरो नहीं, लेकिन जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो सोर्स से जो करंट आने वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है, ओके, okay? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम लोग बोलते थे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी फॉर विच द रेजोनेंस टेक्स प्लेस, ओके, एंड द मिनिमम करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो हम लोगों ने अभी भी देखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन, ओके, ब्रैकेट ओमेगा सी माइनस वन अपॉन ओमेगा एल, ओके। ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ये अभी हम लोगों ने देखा है कंडीशन, तो ये डिस्कस करके कुछ इतना ये नहीं। और हम लोग बोलेंगे एफ आर का वैल्यू क्या रहेगा, सेम जो पिछले केस में देखा हुआ है, इट विल बी वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, सेम है, रेजोनेंट कंडीशन का ही हम लोग बोलते हैं, जो एक्सेप्टर सर्किट का था वही रिजेक्टर सर्किट का, सब कुछ सेम है, सिर्फ हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करंट क्या होगा, रिजेक्ट होगा। और जैसे पिछला वाला ये था, तो एक्सेप्टर सर्किट कैसा था, नीचे से चालू होकर ऊपर बेल शेप हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, ओके, हम लोग बोलेंगे कम होते जा रहा है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ओके, क्यों, तो हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, इनफाइनाइट तो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का कंपोनेंट रहता है, इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि वी से द इंपीडेंस इज नॉट इनफाइनाइट बट इट हैज अ लार्ज वैल्यू, ओके। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे करंट का वैल्यू हम लोग बोलेंगे एकदम मिनिमम पे आ जाएगा, और फिर जैसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ते जाती है, यानी आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आगे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू वापस क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, यस। तो यही आपको दिया हुआ है, when AC current of different frequencies are sent through parallel resonant circuit, it offers a very high impedance to the current for the resonant frequency. Okay, this shows that it rejects the current of the resonant frequency but allows the current of other frequency to pass through it. Okay, अब ये rejected circuit कहाँ पे use होता है? हम लोग बोलते हैं कि जो एक particular frequency के है, हम लोग बोलते हैं mobiles रहते हैं ये, तो mobile jammer या blocker जो होता है, okay, yes, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, rejected circuit use करते हैं, ठीक है, yes. A parallel resonant circuit is very useful in wireless transmission or radio communication and filter circuits. Okay, yes, filter circuits जो है ये हम लोगों ने communication system में देखा है, ठीक है। Anyway, इसके साथ आपका ये topic क्या होता है, आज पूरा complete हो जाता है, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही stop करते हैं।